थोड़ा बोरा जी पीछे, थोड़ा बोरा जी पीछे हो गए। सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि हमारे देश में जो दरिंदगी हो रही है, जो रेपिस्ट खुल के अपना गंदा काम कर रहे हैं, उनको फांसी नहीं दी जा रही है। निर्भया कांड हुआ था, 7 साल हो गए हैं, आज तक उनके फैमिली कोर्ट के चक्कर लगा रही है, फांसी नहीं दी गई, क्योंकि ये एक सिर्फ छोटा सा लॉ जो बना दिया गया लागू नहीं किया गया है। और हमारी श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे, बहुत अच्छे डिसीजन ले चुके हैं, 370, 3 तलाक, और हमारी उम्मीद उन्हीं से है कि वो इसके ऊपर भी डिसीजन ले, एक्शन ले और इसमें फांसी दे। जो अभी हुआ है कि एग्जाम्पल सेट करें कि ऐसा कोई दोबारा रेपिस्ट सोच भी ना सके, उसकी रूह कांपे। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी को सब चिट्ठी लिख रहे हैं, आज हमने 1000 चिट्ठी हमारे स्कूल के काफ़ी बच्चों ने सबने लिख के डाली हैं कि प्लीज़ बेटी बचाओ, दरिंदों को फांसी दिलाओ। जो निर्भया हत्याकांड था उसको शायद हम भूल गए हैं, जो एक नया कांड उभर के आया हमारे सामने, ठीक है। यदि आज के बाद किसी भी नेता की लड़की के साथ बलात्कार हो गया ना, तो रातों रात सारे के सारे संविधान, सब कानून चेंज हो जाएंगे, उसको पकड़ा जाएगा, उसको फांसी दी जाएगी। ये नॉर्मल लोगों के साथ हो रहा है, आम जनता के साथ हो रहा है। जिस दिन आम जनता को यदि वोट के लिए यूज मत करो, एक है ना, लड़की को ये मत देखो कि ये एक भोग की चीज है, सिर्फ ऐसी नॉर्मल चीज है, उनको साथ एक माँ है उनकी घर में, बहन है उनकी घर में, बेटी है उनकी घर में। आज हमने नारे भी लगाए प्रियंका रेड्डी जी के लिए, ताकि उनको इंसाफ मिले। अगर अभी भी उनके इसके बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो ये बहुत गलत है। शायद इनसे और उन गलत आदमियों को बढ़ावा मिलेगा कि वो और भी आगे कर सके। अगर आज उनको इंसाफ मिलता है तो शायद और भी लड़कियों की जान बच सकती है इस चीज़ों से।